जय हिंद इनकलाब जिंदाबाद। आई एम GGKWH गौरव। फेस में बहुत सारा दाढ़ी बढ़ चुका है और सोच रहे हैं कि नाई को बुला कर पहले सेविंग करवा लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे कि लास्ट वीडियो में हम आप लोगों को दिखाए थे कि मेरे माँ का ऑफिस से, मतलब धनबाद का जो ऑफिस है माँ का, वहाँ से हम वाटर टेस्टिंग किट लेके आए हैं घर, उसी का आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो क्या क्या रहेगा उसके अंदर, सब कुछ हम आप लोग इस वीडियो में दिखाएंगे। आप लोगों तो बहुत सारा वीडियो में दिखाए हैं कि मेरा घर में कौन सा नाई आता है और मेरे को फ्रेश करता है, और जो नाई आता है मेरे घर में उसी का भैया है आज, उसी का भैया आज मेरा सेविंग करेंगे, और हम उनसे भी करवाते हैं, जो मेरे घर में नाई आता है उनसे भी हम सेविंग करवाते हैं और इनसे भी करवाते हैं। तो आज आप लोग इनसे भी मिलाएं और आज ये सेविंग करेंगे मेरा, उसके बाद तो नहा धो के फ्रेश कर होते हैं। 2020 से 2022 मेरे लिए बहुत ही ख़राब था। 2022 को तो कभी भूल ही नहीं सकते क्योंकि मेरा दादी भी डेथ कर गई 2022 में, और सबसे बड़ा बात मेरे बाबा भी हम लोग को 2022 में ही छोड़ के चले गए हैं, और 2023 कैसा होगा मेरा नसीब में वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब भी 2023 मतलब 23 अंक जब भी आता है मेरा ज़िंदगी घबराने लगता है, क्योंकि 23 अंक बहुत ही मेरे लिए बैड लक है। और देखते रहिए वीडियो में, कंटिन्यू रहिए, सभी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा हम क्या क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में। नाई से सेविंग करवा लिया, नहा कर फ्रेश हो गए हैं, और यहाँ देखिए वाटर टेस्टिंग किट बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है। और आप लोगों तो हम दिखाए थे कि मेरे माँ का जो धनबाद में ऑफिस है वहाँ से हम ये किट बॉक्स लाए भी थे, एक वीडियो में हम आप लोगों को दिखाए थे। तो आज इसी किट बॉक्स का अनबॉक्सिंग होगा और आप लोगों को दिखाएंगे हम कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। नहा कर फ्रेश हो गए और नहा लिए तो ठंडा का दिन है, ठंड भी लग रहा है, तो हम सोचे आप लोग जो अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे वाटर किट बॉक्स को, तो धूप में दिखाएंगे, इसीलिए हम आ चुके हैं छत पर, और छत में हम आप लोगों को दिखाते हैं कि अनबॉक्सिंग करके कि इन दोनों बॉक्स में क्या क्या है। तो खोलते हैं इसको पहले, ये देखिए एक बॉटल है, उसके बाद देखते रहिए क्या क्या है। ये ग्लास का है, इसको टेस्टिंग करके देखा जाता है, दिखाते हैं इसको भी। ये है ग्लास का, मिलीमीटर दिया हुआ है, ML सॉरी मिलीमीटर बोल रहे हैं, ML दिया हुआ है इसमें, जैसे 100 ml, 80 ml, 50 ml, 25 ml, 10 ml, 5 ml यूनिट दिया हुआ है। उसके बाद और दिखाते हैं, देखते रहिए। यहाँ पर देखिए एक मग टाइप का दिया हुआ है, इसमें डालना पड़ता है इसको, क्योंकि आप सब बोलिए कैसे डालना पड़ता है, मतलब इससे पहले तब हम YouTube चलाते नहीं थे, तब पहले भी एक बॉक्स दिया हुआ था वाटर टेस्टिंग किट, तो उसमें हम लोग टेस्ट किए हुए हैं। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हम दिखाना चाह रहे हैं कि क्या क्या रहता है इसके अंदर और कैसे वाटर टेस्टिंग भी होगा, ये भी हम आप लोगों को एक वीडियो में दिखाएंगे। तो ये है मग, और देखिए टेस्टिंग का है, लिक्विड एसिड है ये। फिर ये भी एक एसिड है, यहाँ देखिए और एक एसिड, जितना निकाल रहे हैं टोटल एसिड और लिक्विड है। ये है एक, ये है। माई अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद्या मार्शल आर्ट। अगर कोई आप लोगों में से मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए ये सब ग्लास है, इसमें टेस्टिंग करके रखना पड़ता है, छोटे छोटे बोतल टाइप का है, और ये दिया हुआ है। ये सब छोटा छोटा लिक्विड है इसके अंदर, पाउडर है, सॉरी पाउडर है इसके अंदर, पाउडर है, और ये देखिए ये सब है वाटर को कितना pH होता है वाटर का, वही दिया हुआ है। ये सब कलरफुल है,
इसी में वाटर को टेस्टिंग करके पता चलता है कि कितना पीएच वाटर का, माने जैसे हम लोग टेम्परेचर को मापते हैं वैसे ही ये पीएच से मापा जाता है वाटर को। तो इसी में पूरा टेस्ट करके पता चलेगा कि क्या क्या होगा। बहुत सारा दिया हुआ है और ये एक बच गया था, ये देखिए एक, बहुत सारा है इसी में। अब टेस्ट होगा और कैसे कैसे टेस्ट होगा पता चलेगा आप लोगों को। ये दो चीज़ याद नहीं आ रहा है किसी चीज़ का है, ये दो चीज़ टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। और यहाँ देखिए ये भी ml से भरा हुआ है, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml दोनों दिया हुआ है। जस्ट बोलने से जैसे हम लोग साइंस में केमिस्ट्री लैब में रहता है सब कुछ उसी तरह है। ये दो, ये मग, फिर ये ग्लास का, टोटल सब चीज केमिस्ट्री लैब के जैसा है। और आप लोग को जब टेस्ट करेंगे वाटर का तब पता चलेगा इसमें क्या क्या काम हो रहा है। इसमें तो कंप्लीट हो गया, अब इसको निकालते हैं इसमें क्या क्या है देखते रहिए। और इसमें है टिश्यू पेपर, ये रहा टिश्यू पेपर पोंछने के लिए, तो रखते हैं। ये रहा बुक कैसा टेस्टिंग करना है वाटर का, इसको खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये खुल गया, एक पेन भी दिया है इसमें और ये पाउच है, मतलब जैसे पानी को घींच के फिर इसमें डाला जाता है, मतलब जो टेस्ट करेंगे उसको घींचेंगे फिर ये सब चीज़ में रखना है इसी में, इसीलिए इसको दिया हुआ पाउच। और पेन तो दिया है, एक छोटा सा लिस्ट है। और ये है फॉर्म, जो कौन सा तालाब में कितना पीएच पानी है, कौन सा कुआं में है, कितना मतलब नल में है, सब कुछ इस फॉर्म में फिलअप करना होगा, उसके लिए फॉर्म दिया हुआ है। चार पेज है। उसके बाद ये बुक दिया हुआ है, जैसे मोबाइल लेते हैं कोई भी तो एक बुक देता है, जैसे गाड़ी लेते हैं तो एक क्या बोलते हैं टेस्ट सर्विस बुक देता है, वैसे ही ये भी बुक है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे टेस्टिंग करना है वाटर का, फिर सब कुछ मतलब जो जो मैंने वाटर के बारे में रहता है डिफिनेशन सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इसको तो पढ़ के समझेंगे फिर से, क्योंकि बहुत दिन बाद फिर से वाटर टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज के मतलब 3 से 4 साल बाद कर रहे हैं फिर से वाटर टेस्ट, इसीलिए ये सब किट दिया हुआ है। ऐसे फिर किट था वो ख़राब हो गया है। ये सब तो दिखाएं, अब इस बैग का काम कंप्लीट हो चुका है। अब इस बॉक्स में दिखाते हैं आप लोगों को क्या है। टंटनान, इसमें सिर्फ कांच का बोतल है और इसमें कुछ अंदर में सामान है जो इसी में टेस्ट होगा, सब में है जितना देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर 50 बोतल है ऐसे ऐसे सब में। और इसी में टेस्ट करेंगे इसको लेकर, मतलब पानी और इसमें मिलाकर टेस्ट होगा जितना वाटर टेस्ट होगा, चाहे तालाब का हो, कुआं का हो, नल का हो, जुड़िया का हो, फिर नदी का हो, किसी भी चीज़ का, मतलब पानी लेंगे इसको लेंगे फिर जो भी टेस्ट करना है सारा चीज़ में टेस्ट होगा। तो कैसा टेस्ट होगा सब कुछ हम आप लोग को एक वीडियो करके दिखाएंगे, और वाटर का कैसा टेस्ट होता है ये भी दिखाएंगे, आप लोगों को पता चलेगा कि वाटर टेस्ट कैसा होता है। तो चलिए इसको अब अंदर रखते हैं, आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाएं क्या क्या था सामान इसमें। एक चीज़ दिखाने भूल गए थे, ये हैंड ग्लव्स है, क्योंकि वाटर का टेस्ट करेंगे तो हैंड ग्लव्स पहन कर टेस्ट करना पड़ता है, ये हम आप लोगों को दिखाने भूल गए थे। तो उसी दिन ये पैक है पूरा,
जिस दिन टेस्ट करेंगे उसी दिन हैंड ग्लव्स खोलेंगे, क्योंकि जैसे ऑपरेशन करता है तो हैंड ग्लव्स पहन के करता है। फिर कुछ भी चीज़ होता है, कोई भी मतलब देखिएगा केमिस्ट्री लैब में भी कुछ भी टेस्ट करने जाते हैं कोई भी केमिकल का, तो हैंड ग्लव्स पहन के करना पड़ता है, उसी तरह ये हैंड ग्लव्स है। वाटर टेस्ट किट बॉक्स में क्या क्या था अनबॉक्सिंग करके हम सब कुछ आप लोगों को दिखाएं। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और जो जो न्यू है इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।